सब्सक्राइब करिए धनु की दुनिया यूट्यूब चैनल को और साथ ही बेल आइकॉन दबा लें ताकि आगे आने वाले वीडियो के अपडेट सबसे पहले आपको मिलते रहें। ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री राधे मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल धनु की दुनिया में। बात करेंगे धनु राशि वाले जातकों का 16, 17, 18 दिसंबर ये तीन दिन दिसंबर महीने के आपके जीवन के कैसे रहेंगे, ग्रह नक्षत्रों की क्या चाल है, इसका असर आपके इन तीन दिनों के दैनिक राशिफल पे कैसा पड़ने वाला है, इस वीडियो में हम लोग यही जानने वाले हैं। तो आइए मित्रों वीडियो की शुरुआत करते हैं, जानते हैं ये तीन दिन धनुराशि वाले जातकों के लिए कैसे रहेंगे। उससे पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमारे YouTube चैनल धनु की दुनिया पे मित्रों पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं, जानते हैं ये तीन दिन धनुराशि वाले जातकों के लिए कैसे रहेंगे। दोस्तों इन तीन दिनों में अपने अधूरे और अटके जो काम है उसको पूरा करने का प्रयास करिए। आप प्रयास करते हुए भी दिखेंगे ऐसे संकेत ग्रह नक्षत्र दे रहे हैं। दोस्तों शेयर आदि जोखिमपूर्ण कार्यों से सोच समझ कर पहल करें। शेयर बाजार में अगर पैसा लगाने का सोच रहे हैं तो मत लगाइए, आपके लिए अच्छा नहीं है, जोखिम हो सकता है, खतरा हो सकता है, सावधान रहिए वरना नुकसान हो सकता है। धन संबंधित थोड़ा अलग कहीं दृष्टिकोण से देखा जाए तो लाभ होगा। व्यापारियों को कारोबार में थोड़ी सी वृद्धि देखने को मिलेगी, आपका मनोबल बढ़ेगा और इससे कारोबार में बेहतर होगा, कारोबार जो अच्छा बनेगा बेहतर कर पाएंगे आप। तो अविवाहित हैं, जिनका विवाह नहीं हुआ है, विवाह की बात आगे बढ़ सकती है, उन लोगों की विवाह के नए प्रस्ताव भी आ सकते हैं। दोस्तों नए संपर्क बनेंगे और लाभकारी रहेंगे। जीवन में अधिक गंभीरता का अनुभव करेंगे आप, अपने किसी भी चीज़ को अधिक गंभीरता से लेंगे। इन तीन दिनों में सुख शांति और आनंद का वातावरण बना रहेगा। दोस्तों नौकरी में प्रमोशन की संभावनाएँ बनती हुई दिखाई दे रही हैं। कार्य क्षेत्र में मेहनत के बाद सफलता अवश्य मिलेगी। कोई नया ऑर्डर या कॉन्ट्रैक्ट मिलने की भी आपको संभावनाएं दिख रही हैं। ऑफिस में आपके कार्य की प्रशंसा की जाएगी, तारीफ होगी आपके काम की। आवश्यक काम में खर्च हो सकता है, किसी जरूरी चीज़ों में आपको थोड़ा सा धन खर्च करना पड़ सकता है, परंतु ये तीन दिन जो है आर्थिक लाभ के लिए भी बहुत अच्छा है, आर्थिक लाभ भी आपको अच्छा होगा। दोस्तों खाने पीने पर कंट्रोल नहीं होने के कारण आपको पेट दर्द की शिकायत साल भर परेशान कर सकती है, इसलिए खाने पीने का विशेष ख्याल रखिए। आपको जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखना है। छोटे मोटे रोग जैसे खांसी, जुकाम, बुखार आदि का सामना इन तीन दिनों में आपको थोड़ा करना पड़ेगा। आपके लिए सुझाव है, उपाय है, भगवान विष्णु जी की पूजा करिए, केसर या हल्दी का तिलक लगाइए, आपके लिए अच्छा रहेगा, शुभ रहेगा। तो मित्रों ये था आपके तीन दिनों का दैनिक राशिफल, आने वाले तीन दिन आपके लिए कैसे रहेंगे इस वीडियो में हम लोगों ने यही जाना। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप सभी मित्रों को, भाई बंधुओं को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कर दें। हमारे यूट्यूब चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो मित्रों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, आसपास सफाई रखिए, घर वालों का ख्याल रखिए, साथ ही साथ अपना भी ख्याल रखिए। ये तीन दिन मंगलमय बीते, शुभ बीते, अच्छे बीते, यही कामना करते हैं। जय श्री राधे, जय भोलेनाथ।